ऐसे ही सुंदर हेयर स्टाइल्स को देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पार्टिंग कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला हुआ है और सेंटर पार्ट निकाला हुआ है। उसके बाद से ईयर टू ईयर के पीछे से आपको एक सेक्शन लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक सेक्शन निकाला है और इसे अच्छे से कॉम कर रहे हैं। कॉम करने के बाद दोस्तों, आपको देख आप जैसे कि देख रहे हैं, हम नीचे की तरफ बैक कॉम कर रहे हैं, ऐसे ही आपको बैक कॉम करना है। उसके बाद हमने उसके नीचे एक और सेक्शन निकाला है, इसके अंदर भी हम सबसे पहले कॉम कर रहे हैं। कॉम करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम रूट पे बैक कॉमिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम रूट पे बैक कॉमिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो सेम ऐसे ही आपको निकालना है सेक्शन, और फिर उसके बाद से कॉम करने के साथ ही आपको रूट पे बैक कॉमिंग करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, हम रूट पे बैक कॉमिंग कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आपको रूट पे बैक कॉमिंग करनी है। एक और हम सेक्शन ले रहे हैं, उसके ठीक नीचे हमने एक और सेक्शन लिया। और दोस्तों, यहाँ पे ख़ास तौर पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा मोटे सेक्शन नहीं लेने, नहीं तो आपकी बैक कॉमिंग अच्छे से नहीं होगी दोस्तों। और अगर आपको बैक कॉमिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्रिम्प थोड़ी सी हैवी कर लेंगे तो बैक कॉमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो आप अगर क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करोगे तो बैक कॉमिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बैक कॉमिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, जब क्रिम्पिंग आप कर लेते हैं तो कोई भी हेयर स्टाइल बनाने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है दोस्तों। काफ़ी सारे दोस्त मुझसे यही पूछते हैं कि सर, हमसे हेयर स्टाइल बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आती और जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उस पर बैक कॉमिंग नहीं होती। तो इन सभी का एक ही इलाज है दोस्तों, आपको बस क्रिम्पिंग कर लेना है। क्रिम्पिंग करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल ईजी बैक कॉम होता है, ऐसे ही आपका भी बैक कॉम होगा, बस आपको क्रिम्पिंग करना है दोस्तों। क्रिम्पिंग करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं, हम सेक्शन निकाल रहे हैं, और सेक्शन निकालने के साथ ही हम सबसे पहले कॉम करते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही कॉम कर लेना है ताकि जो आपकी जो बैक कॉमिंग है वो अलग से नज़र ना आए और ऐसे बिल्कुल स्मूथ हेयर दिखाई दे। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, अब हम बैक में सारा हेयर कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही वन बाय वन एक एक सेक्शन लेके आपको बैक में हेयर को कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम। तो ऐसे ऐसे आपको पीछे की तरफ सारे हेयर को कर लेना है, और उसके बाद से आप कॉम करेंगे। जो आपका जो बैक कॉम है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बैक कॉम किया हुआ था तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे दोस्तों कॉम करेंगे और यहाँ पे स्मूथ करेंगे कि जो हमारा बैक कॉम है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको भी कॉम कर लेना है, जो आपका जो बैक कॉम है वो बिल्कुल भी ना दिखाई दे, आपका जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब ना दिखाई दे। इसीलिए आपको अच्छे से कॉम कर लेना है, जो आपका बैक कॉम है वो नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे ही हमने भी कॉम कर लिया दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने स्मूथ कर लिया, बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ पे बैक कॉम किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अच्छे से यहाँ पे पफ बनाया है। तो यहाँ पे हल्का सा आप देख रहे हैं, जैसे हमने पफ बनाया है, ऐसे आप भी पफ बना लेंगे। उसके बाद से फ्रंट में आपको एक ऐसा सेक्शन निकालना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक पतला सा सेक्शन निकाला हुआ दोस्तों, ईयर टू ईयर तक का सेक्शन निकाला हुआ है। और उसके बाद से हमने दोस्तों यहाँ पे लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सॉफ्ट लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही आपको लाइंस को क्रिएट करना है। आपको लाइंस को क्रिएट करने के लिए दोस्तों, आपको फिंगर टिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे थे, हम फिंगर टिप का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद से दोस्तों, और लाइंस को विजिबल करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद से स्प्रे करने के बाद आपको फिंगर टिप की हेल्प से आपको उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जो आपका जो हेयर स्प्रे है वो अच्छे से जो आपके लाइंस बनी हुई है उसको होल्ड कर दें। अभी हमने एक और सेक्शन निकाला है दोस्तों, और यहाँ पर भी हम फिंगर टिप की हेल्प से यहाँ पर लाइन्स क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद से हमने स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ किया हुआ दोस्तों, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक हेयर एसेसरीज से यहाँ पे जो हमने बैक कॉम बनाया हुआ था, जो हमने पफ बनाया हुआ था, उसी के ऊपर हम इसको होल्ड कर रहे हैं। जो सेक्शन हमने जो अभी बनाया हुआ है, इसको अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। फिर हमने दोस्तों एक और सेक्शन लिया है, इसको भी हमने पफ के ऊपर रखा हुआ है, जहाँ हमने बैक कॉम किया हुआ था तो वहाँ पर रखा हुआ है। और फिंगर टिप की हेल्प से दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सॉफ्ट लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो सेम ऐसे आपको सॉफ्ट लाइन क्रिएट करनी है।
और उसके बाद से दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे की ज़रूरत होगी। और दोस्तों मैंने प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि हेयर स्टाइलिंग में कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर वो वीडियोस देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक और सेक्शन निकाला है और ठीक उसी के नीचे सबसे पहले हमने अच्छे से कॉम कर लिया दोस्तों, तो सेम ऐसे आपको कॉम कर लेना है। उसके बाद से फिंगर टिप का इस्तेमाल करना है दोस्तों, और दोस्तों जैसे कि आप फिंगर टिप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको खास तौर पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जब आप फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आराम आराम से हेयर को निकालें, यानी कि आप सारे हेयर को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका लेयर अच्छे से नहीं निकलेगा, तो इस चीज़ का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन निकाला दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉम कर लेना है फिनिशिंग के लिए। दोस्तों आप जब कॉम करेंगे तभी आपकी फिनिशिंग आएगी, तो अच्छे से कॉम कर लेना है। उसके बाद आपको फिंगर टिप का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम थोड़े थोड़े गैप के बाद ही हम लेयर को क्रिएट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आपको लाइंस क्रिएट करनी है। जो लेयर हमने बनाया है उसको ईजिली ऐसे ही क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पफ के ऊपर उस हेयर एसेसरी से जो हमने लेयर बनाया था उसको होल्ड किया हुआ है। आप बॉबी पिन से भी पिन कर सकते हैं दोस्तों, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बॉबी पिन से भी पिन कर सकते हैं। लास्ट में आपको मैं बता दूंगा कि बॉबी पिन से कैसे हमने पिन किया हुआ है, तो आप इस वीडियो में देख लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम दूसरी साइड भी सेम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हमने एक सेक्शन निकाला हुआ था और सेक्शन निकालने के साथ ही हमने वो पतले पतले लाइन्स उसके अंदर क्रिएट किए हुए हैं, पुल किया हुआ है छोटे छोटे लेयर्स को। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक और सेक्शन निकाला है, इसके अंदर भी हम लाइंस बना रहे हैं, हेयर को पुल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद से आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपकी लाइन जो बनी हुई है वो आपस में मर्ज ना हो, मिक्स ना हो। और उसके बाद से आपको फिंगर टिप का खासतौर पर इसलिए यूज़ करना है दोस्तों कि जो आपके लाइन्स है वो ज़्यादा ही विजिबल हो और आपस में मर्ज ना हो, इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना है। और साथ ही आपको रिक्रिएट करना, आप दोबारा से आपको उस लाइन्स पे जो फिंगर है आपको दोबारा से फेरनी पड़ेगी कि जो आपका जो स्प्रे है अच्छे से उसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं हम दूसरा एक और सेक्शन निकाला है, उसके अंदर भी हम सेम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपनी हेयर एसेसरी से जो हमने बैक कॉम्बिंग वाला पफ बनाया था उसी के ऊपर हमने होल्ड किया हुआ इस सेक्शन को। लास्ट का सेक्शन है दोस्तों, इसके अंदर भी हम सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको कॉम कर लेना है, कॉम करने के बाद फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए आपको लेयर क्रिएट करनी है, यहाँ पे पुल करना है, हेयर को खींचना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा अपने बॉबी पिन से या हेयर एसेसरी से जैसे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद से आप स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे, उसके बाद से लाइंस को रिक्रिएट करेंगे। अभी आप जैसे देखें कि हमने यहाँ पे बॉबी पिन लगा हुआ है, तो सेम ऐसे ही आप भी बॉबी पिन लगा सकते हैं। और हमने बॉबी पिन को छुपाने के लिए हमने हेयर एसेसरीज वहाँ पे यूज़ की हुई है, तो ऐसा आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा जो हमने फ्रंट में जो हेयर स्टाइल बनाया हुआ था उसके जो बचे हुए बाल हैं, अब उसी से हम यहाँ पर स्टाइल बनाएंगे और यहाँ पर एक डायमंड शेप का स्टाइल बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने दोनों तरफ से एक एक सेक्शन लिया हुआ है और दोनों को अच्छे से हमने यहाँ पे पकड़ लिया है फिंगर से, और उसके बाद से जो हमने बैक कॉम नीचे किया हुआ था उसी की हेल्प से हम यहाँ पे इस लेयर को हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने हेयर एसेसरी से यहाँ पे होल्ड किया हुआ, तो आप भी ऐसे ही हेयर एसेसरी से होल्ड कर सकते हैं। और जो इनविजिबल पिन होता है दोस्तों उसी को फोल्ड करके आप जो नीचे बैक कॉमिंग है उसी में आप फंसा सकते हैं। तो जो आपका जो इनविजिबल पिन होता है उसके आपका जो एंड्स होता है इनविजिबल पिन का जो एज होते हैं उसको हल्का सा फोल्ड करना होगा, जिससे कि आपका जो जो इनविजिबल पिन है वो बैक कॉमिंग में अच्छे से फंस जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं हम दो लेयर को यहाँ पे पकड़ के उसके बाद से हम अपनी हेयर एसेसरी से यहाँ पे होल्ड करा रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आपको करना है। जैसे कि आप देख रहे हो दोनों तरफ से हमने एक एक लेयर लिया, और यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनविजिबल पिन को जो एंड्स होते हैं जो उसका एज होता है जो पीछे की तरफ से जो निकला हुआ होता है उसी को फोल्ड करना है दोस्तों। फोल्ड करने के साथ ही जो नीचे बैक कॉमिंग कर रखा है आपने उसी के अंदर आपको अच्छे से फंसा देना है कि आपका जो हेयर है वो खुले नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर फंसाने की कोशिश की हुई है, तो सेम ऐसे आपको भी फंसा लेना है।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, हम दो दो लेयर को पकड़ के यहाँ पे हेयर एक्सेसरी से यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही करना है दोस्तों। और दोस्तों अगर हेयर स्टाइलिंग में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 9911418347। और दोस्तों अभी तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो हमारे सेम इसी नाम से फॉलो करिए, मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं सभी कि यूट्यूब के ऊपर हमारी ओनली वीडियोस आती है, मगर अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह और हमारे आने वाली क्लासेस की अपडेट वगैरह अगर आपको देखना है तो आप मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए, तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और मैं अपने जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, जो सामान मैं यूज़ करता हूँ, मशीन, पिंस, स्टफिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों की मैंने पूरी वहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे सेम इसी नाम से, मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ कि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक एक लेयर को दोनों दोनों तरफ से हमने लिया हुआ है, और उसके बाद से फिर हम वही वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी हेयर एक्सेसरी से यहाँ पे एक डायमंड शेप का एक स्टाइल दे रहे हैं। तो सेम ऐसे ही आपको करना है दोस्तों, दोनों तरफ से आपको एक एक लेयर को लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने लेयर को लिया है, और अपनी हेयर एक्सेसरी से वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा आपको बताया गया है अगर आप सेम टू सेम ऐसे ही आप फॉलो करते हैं तो ये इजीली बन जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं एक एक लेयर को दोनों तरफ से पकड़ के, और हम यहाँ पे एक हेयर एसेसरीज का यूज़ कर रहे हैं जो कि इनविजुअल पिन से बना हुआ है, तो आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सुंदर लगता है जैसे कि आप देख रहे हैं। और लेयर्स को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, होल्ड करने के लिए दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग वाले हेयर स्प्रे की ज़रूरत होगी। और दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियोस बनाई हुई है कि आपको हेयर स्टाइलिंग में कौन से प्रोडक्ट की नीड होती है, आपको ज़रूरत होती है, तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी बेसिक चीज़ों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, जैसे कि बैक कॉमिंग पफ कैसे बनाते हैं, अच्छा बैक कॉमिंग पफ को खोलते कैसे हैं, इसकी टेक्निक क्या है, तो इसके ऊपर मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो ये वीडियोस ज़रूर देखें, आई एम श्योर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अच्छा आप अगर मार्केट में डमी परचेस करने जाते हैं तो आपको क्या चीज़ देख के डमी परचेस करनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपके पास डमी है और उसको मेंटेन करना नहीं पता है तो उसको वॉश कैसे करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाया हो, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पीछे पूरा हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद से जो बचे हुए बाल थे यहाँ पे हमने पोनी बनाया दोस्तों। पोनी के नीचे हम यहाँ पे एक स्टफिंग रख रहे हैं जो मैंने अपने अपने हाथों से मैंने ये स्टफिंग बनाई हुई है, तो आप भी कोई भी स्टफिंग आप रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं लॉन्ग जो लंबा बन होता है, काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था कि एक लॉन्ग बन बताएं, तो फिर मैं वही लॉन्ग बन आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ा स्टफिंग आपको कैसे रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे बन बताया जा रहा है सेम टू सेम वैसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे थे हमने जो पोनी का जो हाफ बाल था उसको हमने ऊपर की तरफ रख दिया, उसमें का थोड़ा सा जो बाल था उसका नीचे की तरफ रखा हुआ जिसके अंदर हम बैक कॉमिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको सेक्शन बाय सेक्शन आपको बैक कॉमिंग कर लेनी है दोस्तों। और जो हमने स्टफिंग को हमने जूड़ा पिन से पिन किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हमने रबर लगाया हुआ है, तो रबर के अंदर ही हमने जूड़ा पिन को और स्टफिंग के साथ हमने अच्छे से फंसाया हुआ है कि हमारी जो स्टफिंग है वो निकले नहीं, तो हमने दोनों तरफ से लगाया हुआ, तो दोस्तों आप भी दोनों तरफ से लगा लेंगे आपकी स्टफिंग अच्छे से होल्ड हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पर जो बैक कॉम किया हुआ है उसको स्मूथ कर रहे हैं कि हमारा जो बैक कॉम है वो दिखाई ना दे, एक स्मूथ लुक दिखाई दे और सुंदर दिखाई दे, तो हमने अच्छे से यहाँ पे आपको भी कॉम करना है, तो जैसे कि मैं कॉम कर रहा हूँ सेम ऐसे आपको कॉम कर लेना है। और उसके बाद से आप चाहे तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कॉम करने के बाद, तो सबसे पहले आपको कॉम करना होगा उसके बाद ही आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, तो और उसके बाद से जो नीचे बचे हुए बाल हैं उसको हमने अच्छे से ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद हम ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ पे पिन कर सकते हैं दोस्तों, आप जूड़ा पिन से या बॉल पिन से पिन कर सकते हैं अच्छे से।
उसके बाद से दोस्तों जो ऊपर बचे हुए बाल थे हमने इसको ले लिया और अच्छे से हम कोम कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें से भी हम थोड़े से बाल नीचे की तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नीचे की तरफ जो बन जो हमने बनाया हुआ है उसके ऊपर डायमंड शेप का एक स्टाइल देना है, और ऊपर जो बीच में जो बाल हैं हम यहाँ पे एक बो बताएंगे, जैसे कि जो बो होता है आप लोगों ने देखा होगा वो, तो यहाँ पे एक वो स्टाइल बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसके अंदर एक सेक्शन को लेने के बाद हम इसके अंदर बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं, और बैक कॉम को अच्छे से होल्ड करने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग वाला हिस्पे यूज़ किया है कि जो बैक कॉम है वो अच्छे से इसके अंदर रहे। हमारा बैक कॉम जब हम हेयर को स्प्रेड करेंगे तो हमारा हेयर है वो खुले नहीं, हमारा हेयर ख़राब ना हो हेयर स्टाइल, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद, हेयर को फोल्ड करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जूड़ा पिन से पिन किया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे बाल जो निकल जाते हैं उसको होल्ड कराने के लिए, उसको चिपकाने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ किया है। तो अगर आपको भी अगर प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे बाल अगर निकलते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक तरफ का स्टाइल पूरा कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं आधा हमने बो बना दिया है, अभी दूसरी तरफ भी हमें आधा बो बनाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ये सेक्शन लिया, और इसको सबसे पहले आपको अच्छे से कोम करना है, कोम करने के बाद ही आपको बैक कोम करना है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे बैक कोम कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आपको बैक कोम कर लेना है दोस्तों। तो अच्छे से यहाँ पर हम बैक कोम कर रहे हैं, और बैक कोम करने के बाद दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने अच्छे से कोम कर दिया बैक कोम करने के बाद, और हमने यहाँ पे फोल्ड किया दोस्तों। फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ से आपको स्प्रेड करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम स्प्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद से वहाँ पे जूड़ा पिन से पिन करना है, यहाँ पे जूड़ा पिन से, क्योंकि हमने नीचे जो रबर लगाया हुआ था जो पोनी बनाई हुई थी उसी के अंदर ये जूड़ा पिन जाके फंस जाएगा, आपका पिन नहीं निकलेगा। अभी जो बीच का बाल है उसको सारे बालों को अच्छे से पकड़ के यहाँ पर आप बॉय पिन से या जूड़ा पिन से उसको अच्छे से पकड़ लेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं जो छोटा सा बाल है जो जो दोनों तरफ से हमारे एक्स्ट्रा हेयर आ गए थे उसको पिन करने के बाद मैं सारे बालों को कोम कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, बैक कोम। बैक कोम करने के बाद हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ किया हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग वाला मैं सॉस्कोप का यूज़ करता हूँ, तो ये मैंने टाफ्ट यूज़ किया है सॉस्कोप का। उसके बाद से जो बाल है उसको हम टर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जूड़ा पिन से पिन कर रहे हैं दोस्तों। जो बाल हैं जो हमारा बो है वो काफ़ी सुंदर अब नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर आप इस टेक्निक से बो बनाएंगे तो आई एम श्योर आप इजीली बना पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं नीचे जो जो हेयर बचा हुआ था इसको हमने सबसे पहले कोम किया दोस्तों, और कोम करने के बाद हम यहाँ पे सेक्शन निकाल रहे हैं, तो ऐसे आपको भी सेक्शन निकालने होंगे, पतले पतले सेक्शन निकालने होंगे, और एक एक सेक्शन को पकड़ के दोस्तों यहाँ पर आपको पिन करना होगा उसी हेयर एक्सेसरी से जिसके अंदर इनविजिबल पिन लगी हुई है। तो ऐसे ही आप भी हेयर एक्सेसरीज यूज़ करेंगे, और पतले पतले सेक्शन को पकड़ के आप जैसे कि देख रहे हैं हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको भी पिन करना है। और दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम होती है हेयर स्टाइलिंग में तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करूँगा हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड, अगर कुछ भी अगर पूछना हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। और दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये आपको अगर हेयर स्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो एक बार प्लीज़ बेल का आइकन ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बन के ऊपर हमने चारों तरफ अच्छे से हमने पिन कर दिया है छोटे छोटे सेक्शन लेके, तो सेम ऐसे ही आपको भी सेक्शन लेके अच्छे से यहाँ पे पिन कर लेना है। ये काफ़ी बड़ी वीडियो बन रही है क्योंकि इस हेयर स्टाइल के अंदर काफ़ी वेरिएशन मैंने दिखाया आप सभी को कि अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक सेक्शन लिया है, और टेल कॉम्ब की हेल्प से हमने टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने जैसे कि आप देख रहे हो दोनों तरफ से सेक्शन लेने के बाद हमने
जो हेयर एसेसरीज है जो हमारी स्टफिंग के ऊपर हमने अच्छे से होल्ड किया हुआ है, पिन किया हुआ है। तो सेम ऐसे आपको पिन करना है दोनों तरफ से दोस्तों, सेक्शन लेना होगा और फिंगर में पकड़ने के बाद हेयर एसेसरीज़ को जो स्टफिंग है उसके अंदर अच्छे से फंसा देना है, अंदर डाल देना है कि जो आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से होल्ड हो जाए और स्टफिंग से जो आपका पिन है वो बाहर ना आए। तो अच्छे से आपको स्टफिंग के अंदर डालना होगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था एक लॉन्ग बन बताएं, एक बड़ा बन बताएं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बनाया हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद से सेम वही टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। दोनों तरफ से आपको पतले पतले सेक्शन लेने हैं, लेयर लेना है और दोनों को पकड़ के दोस्तों हेयर एसेसरीज से आपको जो बन जो है उसके ऊपर अच्छे से पिन करेंगे। तो हेयर एसेसरीज जो हमने बनाई हुई है वो इनविजिबल पिन से है, तो वही पिन हम जो बन है उसके अंदर डाल रहे हैं और एक एक लेयर को अच्छे से पकड़ना है, जो कि आपका जो डायमंड जो शेप का स्टाइल बनाया है वो बहुत ही सुंदर नज़र आया है आपके बन के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इजीली तरीके से आपको बताने की कोशिश की हुई है दोस्तों। आई एम श्योर आपको अच्छे से ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा।